गुड मॉर्निंग लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म किया था और आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले रेट के बारे में जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो होता है वो चेंज नहीं होता है, हर साल प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ ऐड होकर चेंज होता रहता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रेट जानते हैं। रेट क्या होता है? रेट डिफिनेशन क्या है? इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में 100 रुपए पर 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज, इसी के क्या कहते हैं हम लोग, रेट या फिर हिंदी में दर। ठीक है, जैसे हमने कहा 100 रुपए पे एक साल में हमने माना 10 रुपए इंटरेस्ट आई, 10 रुपए ब्याज आई। ठीक है, तो यही 10 हमारा क्या होगा, रेट होगा। यही 10% यही हमारा रेट होगा। ठीक है, दो चीज़ ध्यान देना है कि ये साल एक होना चाहिए और यहाँ पे प्रिंसिपल 100 होना चाहिए, तभी रेट निकलेगी। अगर हमने कहा दो साल में 200 रुपए पर इंटरेस्ट आई, मान लिया 36 रुपए इंटरेस्ट आई। ठीक है, अब हमने पूछा रेट क्या होगी, रेट बतानी है। तो रेट, इसकी रेट क्या होगी, दो साल में कितना इंटरेस्ट आया, 36 इंटरेस्ट आया 200 रुपए पर। एक साल में कितना इंटरेस्ट आएगा, एक साल में कितना आएगा, 36 का आधा 18 है ना, एक साल में 200 रुपए पे इंटरेस्ट कितनी आई, 18। 100 रुपए पे इंटरेस्ट कितनी आएगी, 100 रुपए पे इंटरेस्ट कितनी आएगी, 200 रुपए पे 18 आ रही है इंटरेस्ट, तो 100 रुपए पे कितनी आएगी, 9 है ना। एक साल में 100 रुपए पर कितनी इंटरेस्ट आई, 9। यही हमारा क्या है, रेट। ठीक है, यही क्या है, रेट। तो रेट की डिफिनेशन उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। एक साल में आर इंटरेस्ट आई, वही ऐसा ही है। ठीक है, अब एक रुपये में कितना होगा, एक साल में आर बाई 100 हो जाएगा, आर बाई 100। ठीक है, पी रुपये में कितना होगा, एक साल में पी आर बाई 100, पी आर बाई 100 है ना, पी आर में पी आर बाई 100 हो जाएगा। और पी अमाउंट पे पी रुपए पर पी ईयर में कितना हो जाएगा, पी आर टी बाई 100। यही हमारी क्या होती है, SI। ठीक है, पी आर टी बाई 100, यही हमारी SI होती है। इसमें पी क्या होता है, पी होता है प्रिंसिपल और आर रेट, टी टाइम, ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसी SI में सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम लोग प्रिंसिपल को ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाती है, तो क्या हो जाता है, अमाउंट कितना निकला। ठीक है, नोट करिए जल्दी से।
हो गया। चले अब क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एट 25% द इंटरेस्ट रिसीव्ड एट 25% पर एनम एस आई आफ्टर थ्री ईयर पर एनम एस आई आफ्टर थ्री ईयर्स इज रुपीज 825। What was the principal? What was the principal? ठीक है, कह रहा है 25% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है, और कह रहा है 3 साल बाद एसआई कितना है, ऐसा ही कितना है 3 साल बाद 825। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कि 1 साल का रेट कितना है 25, है ना, 1 साल का रेट 25, 3 साल का कितना होगा 25 × 3 75%, है ना, 75% होगा इंटरेस्ट, उसकी वैल्यू हमें कितना दे रखी है 825, ठीक है, 825 दे रखी, 75 की वैल्यू 825 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 75 से कटा 1 बार गया 7 5 11, 1 की वैल्यू 11, तो 100% की वैल्यू कितना होगी, 1% की वैल्यू 11 है तो 100% की वैल्यू 1100, यही आपका आंसर है, यही प्रिंसिपल है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। हो गया, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एस आई अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 12,450 एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स इज रुपीज 8,964। What is the rate of interest per year? ठीक है, कह रहा है SI 12,450 पे 6 साल के एंड में कितनी है 8,964, ये SI दे रखी है। ठीक है, What is the rate of interest per year? Rate of interest बतानी है। ठीक है, तो 6 साल में कितनी SI दे रखी है 8,964। ठीक है, 1 साल में कितनी होगी, एक साल में कितनी हो जाएगी एसआई, डिवाइड करेंगे 1 बार गया फिर 4 बार गया फिर 9 बार गया फिर 4 बार गया, ये 1 साल की एसआई आई। ठीक है, इतना एसआई है, ये प्रिंसिपल है इनटू 100% किया। ठीक है, इससे ये कटा, 5 से कटा 2 बार, 5 से कटा 2, 4, 9, 249 बार। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, अराउंड 6 के अराउंड जाएगा ना, 9 6 54, 6 के अराउंड जाएगा इंटू 2, 12%, ये हमारी रेट, रेट ही पूछे ना, रेट ये हमारी 12%, ये हमारी रेट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, समझ में ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10,000 अमाउंट्स टू 11,400 इन 1 ईयर एट SI, व्हाट विल बी 16,000 इन 3 ईयर्स। ठीक है, 10,000 कितना हो जाता है 11,400 1 साल में। ठीक है, SI पर, तो
16,000 तीन साल में कितना होगा, ठीक है। 10,000 कितना हो जा रहा है एक साल में, 10,000 कितना हो जा रहा है, 11,400 है ना। तो इंटरेस्ट कितनी आई, 1400 इंटरेस्ट आई है ना, 1400 इंटरेस्ट आई कितने पे, 10,000 पे, 10,000 पे 1400 इंटरेस्ट आई, मतलब रेट कितनी है, 14% रेट है ना, रेट 14% है। तो अब कह रहा है व्हाट विल बी 16,000 तीन साल में कितना हो जाएगा, एक साल की रेट 14% है, तो तीन साल की 14 को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42% होगी, ठीक है। तो 16,000 का 42% कितना होगा, 16 का 2 से किया मल्टीप्लाई, 32, 3, 16 चौका 64, 3, 67 है ना। ये इंटरेस्ट निकल के आई हमारी, ये क्या है, SI तीन साल की 1600 पे, ठीक है, ये इंटरेस्ट निकल के आई। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी 16,000 इन 3 ईयर, मतलब 16,000 तीन साल बाद कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछा। ये तो हमारा इंटरेस्ट है, इसमें 16,000 अभी ऐड करेंगे, ठीक है। 16,000 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 12 22,720, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है, ये SI निकल गया, ये प्रिंसिपल था, दोनों ऐड कर दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, असर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 times ऑफ इटसेल्फ इन 30 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करके लिख लेंगे, अगर इफ रेट इज गिवन और रेट इज आस्क्ड, अगर रेट दिया है या पूछा है तो प्रिंसिपल को हमेशा क्या मानेंगे, कंसीडर पी इक्वल टू, कंसीडर प्रिंसिपल 100 मानेंगे हमेशा, ठीक है। इसको नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ इन 30 years, 30 साल में कोई सम है अपने से 4 गुना हो जाता है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, पूछा है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल को 100 माने, प्रिंसिपल 100 माना है ना, 4 गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, 400 हो जाएगा, ठीक है। कितने साल में 30 साल में 4 गुना, इंटरेस्ट कितनी आई, 300 का इंटरेस्ट आया है ना, 100 से 400 को 300 का इंटरेस्ट आया, कितने साल में, 30 साल में, तो इसको इससे किया डिवाइड, 10%, ये हमारी रेट निकल के आ गई, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है ना, आसान तरीका, समझ में आया। चलते अगले पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 5/4 times ऑफ इटसेल्फ इन 5 years, फाइंड द रेट, सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से करिए एक बार जल्दी से। 100 मानना है, प्रिंसिपल को 100 मानिए, प्रिंसिपल को 100 माना, 5/4 हो रहा है, 100 का 5/4 करेंगे कितना आएगा, 125 है ना, मतलब 100 से 125 हो रहा है ना, कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 25, कितने साल में, 5 साल में, तो रेट क्या निकल गया आएगी, 25 को 5 से दिया डिवाइड, 5% रेट, यही आंसर है, ठीक है, हो गया था ना, ठीक है।
अब अगले अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन वॉट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 times ऑफ इट सेल्फ एट एस आई रेट ऑफ 20% पर एनम। इसमें भी रेट दे रखी है ना, तो वही प्रिंसिपल 100 मानते हैं। प्रिंसिपल को माना 100, कितना हो रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा 100 से। कितनी इंटरेस्ट आई, 400 इंटरेस्ट आई। रेट क्या है, 20% है ना, 20%। इस बार रेट नहीं पूछा है, ईयर पूछा है, वही तरीका वही रहेगा। इसको इससे काटा, वही 20 ईयर, यही हमारा आंसर। ठीक है ना, आसान आसान से क्वेश्चन, ये सब आते एग्जाम में। ठीक है, तरीकों को भी सीखते चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट टाइम द सम ऑफ मनी बिकम्स 3.6 times ऑफ इट सेल्फ एट एस आई ऑफ 26% पर एनम। ठीक है, इसमें भी रेट दिया है, करिए अपने से करिए, 100 से 3.6 time हो रहा है, तो 360 हो जाएगा, 100 से 360 हो जाएगा, है ना। कितनी इंटरेस्ट आई, 260 की इंटरेस्ट आई है, है ना। रेट क्या है, 26%। इसको इससे काटा, 10 ईयर, ये हमारा आंसर है, 10 ईयर्स। ठीक है, हो रहा है ना, अपने से अटेम्प्ट करती रहेगी। ठीक, असम, और अलग ये वाला क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ इट सेल्फ इन 5 years ऑन एस आई एट सर्टेन रेट। रेट इसमें नहीं दिया है, इन वॉट टाइम इट विल बिकम 9 times। ठीक है, कोई सम है वो अपने से 3 गुना हो जा रहा है 5 साल में। ठीक है, मान लेते हैं सम था 1, कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है, 2, कितने साल में, 5 साल में, 5 साल में 2 interest आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है अपने से 9 गुना हो जा रहा है, कितना गुना, 9 गुना है ना, 9 गुना हो जा रहा है। तो अब कितना इंटरेस्ट है, 8 है ना, ये 2 से कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ, 2 से 8 हुआ ना, तो ईयर भी 4 गुना होगा, 5 साल से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 ईयर, ये हमारा आंसर है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हाँ रिपीट। देखिए क्या कह रहा था मैं, इस बार ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा अपने से 3 गुना हो रहा है, 1 था माना, 3 गुना हुआ, इंटरेस्ट कितनी आई, 2 interest आई, कितने साल में, 5 साल में, 5 साल में 2 interest आई। अब कह रहा है कितने साल में अपने से 9 गुना हो जाएगा, 1 से 9 होगा, तब इंटरेस्ट कितनी आएगी, 8, तो इंटरेस्ट कितना गुना हुई है, 2 से 8 हुई है, 4 गुना हुई है इंटरेस्ट, है ना, तो ईयर भी 4 गुना होगा, 5 साल था, 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20 साल, 5 और 20 साल, यही हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।